ये हादसा दिल्ली पटियाला हाईवे पर नरवाना के सिरसा ब्रांच नहर के पास हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और पीछे से इस बाइक चालक को टक्कर मारी गई है। उचाना कलां का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। फिलहाल एम्बुलेंस पहुंची है। बड़ी खबर नरवाना के सिरसा ब्रांच नहर के पास दिल्ली पटियाला हाईवे पर भीषण टक्कर पीछे से मारी गई है। गंभीर हालत बनी और कोई डॉक्यूमेंट बनी पड़े इसका डिलक्स बाइक पर डॉक्यूमेंट तो भी उस समय है बाइक का नंबर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मोटरसाइकिल की बात है, मोटरसाइकिल की बात है बताया जा रहा है। तो लोगों को पता चलता है तो सूचना जरूर दें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द के पास पहुँच सके ताकि फिलहाल जो है यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एक एम्बुलेंस पहुंची है और पीछे से टक्कर मारी है। उजाना से नरवाना की तरफ ये युवक जा रहा था और गंभीर हालत है। अकेला ही युवक डिलक्स बाइक पर सवार था और जो पीछे से टक्कर मारी है बताया जा रहा है वो वाहन मौके से फरार हो गया है। आसपास के लोगों ने सूचना एम्बुलेंस युवक को लेकर जाया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज मिले और जान बचाई जा सके। बड़ी नरवाना के सिरसा ब्रांच पर खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मरीजों के पास पहुँचाने की कोशिश करें ताकि बेहतर इलाज मिल सके। और आप देख सकते हैं किस प्रकार पीछे से ज़बरदस्त टक्कर मारी गई है पर बच्चे उड़ गए बाइक के, पूरी बाइक टूटी हुई है पीछे का हिस्सा और युवक को टक्कर मारकर गिराया गया है। फिलहाल अभी किसी वाहन को यहाँ नहीं पकड़ा गया और मौके से फरार है। किसी प्रकार की कोई सबूत यहाँ नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट को नहीं पड़ेगा घायल है। तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। लोगों ने कहा कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और इस दौरान इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। तो जो कट है दिल्ली पटियाला हाईवे पर कैथल से नरवाना की तरफ आने के लिए उससे थोड़ा सा आगे ये घटना हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं एक एम्बुलेंस पहुंची है, आसपास के लोग मौजूद हैं और घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं घटना स्थल पर जांच के साथ और कोई डॉक्यूमेंट बाइक के पर कच्चे उड़े हुए हैं। बाइक का पिछला हिस्सा भी ना इस मोटरसाइकिल की बात है, मोटरसाइकिल की बात यह है भी है कि युवक ने हेलमेट शायद नहीं लगाया था जिससे उसको चोट आई है। बैटरी हालत थोड़ी ठीक है लेकिन बेसुध अवस्था में और बड़ी घटना तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार बाइक तोड़ा गया है किसी से टक्कर मारकर। और इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आप सावधानी से अपने वाहन को चलाएं और कोशिश करें आगे पीछे ध्यान रखें, दोनों साइड के शीशे लगाकर हेलमेट हमेशा पहन कर चलें क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि बस यार दूसरा वाहन चालक भी आप